जिला के अधिवक्ताओं को कानून की न्यूनतम कार्यप्रणाली में संशोधन के बारे में और न्यायालय की विभिन्न प्रक्रियाओं सहित अनुभवी वक्ताओं के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता परिषद की सोलन इकाई ने स्वाध्याय मंडल का सोलन में विधिवत शुभारंभ किया। समारोह में हिमाचल उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता परिषद की सोलन इकाई द्वारा स्वाध्याय मंडल का सोलन में विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हिमाचल उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। एक दिवसीय कार्यक्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने उपस्थित अधिवक्ताओं को न्यायालय से संबंधित कानून में हुए संशोधनों सहित आपराधिक मामलों में गवाहों की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। समारोह के अंत में सदस्यों की एक बैठक भी हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सोलन मंडल का अध्यक्ष देवेंद्र कौशल को चुना गया। नवनियुक्त मंडला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कौशल ने समारोह की जानकारी देते हुए कहा कि ये प्रकल्प हर महीने के चौथे शनिवार को प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभ्यास कर रहे अधिवक्ताओं को कानून की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाना ही उनका उद्देश्य है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जस्टिस श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने हमें सेशन कोर्ट में ट्रायल करने के प्रोसेस को बताया कि किस तरह से सेशन कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट किया जाता है और उस बारे में जानकारी अधिवक्ताओं को दी। और यह कार्यक्रम इसी प्रकार से हम हर महीने के चौथे शनिवार को आयोजित किया करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय रखे जाएंगे और लोग अपनी जानकारी देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।